नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भारद्वाज आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम चर्चा में स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 20 अगस्त। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले 24 घंटे के दौरान जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो डिफरेंट ऑब्जर्वेटरीज हैं जहां पे रेनफॉल रिपोर्ट की गई हैं, तो आपको इस फिगर में दिखाया गया है। रेड कलर मीन्स एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, जो 20 सेंटीमीटर और उससे ज़्यादा के अमाउंट की रेनफॉल जो रिपोर्ट हुई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेघालय के कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं और हमारा त्रिपुरा के बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल में आप देख सकते हैं, जो हमारा त्रिपुरा में बागफा है वहाँ 38 सेंटीमीटर अमाउंट का रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। बेलोनिया में 32 सेंटीमीटर, अमरपुर में 31 सेंटीमीटर। अगर हम मेघालय की बात करते हैं तो जो सोहरा स्टेशन है मेघालय में, वहाँ पर 35 सेंटीमीटर रेनफॉल, जो कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। और आप इनमें ऑरेंज कलर देख सकते हैं, ऑरेंज कलर जहाँ पे उत्तराखंड है, तेलंगाना है, जो हमारे सिग्निफिकेंट स्टेशन से हमने यहाँ पे लिखे हैं, वहाँ पे सामा में 19 सेंटीमीटर और यदागिरी गुट्टा में 17 सेंटीमीटर, जो कि तेलंगाना में है, वहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं आइसोलेटेड लोकेशन में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और ईस्ट राजस्थान के कुछ कुछ स्टेशन, तेलंगाना और रायलसीमा में भी वेरी हैवी रेनफॉल भी यहाँ पर रिपोर्ट किया गया है। येलो कलर में आप देख सकते हैं जहाँ पे आइसोलेटेड कुछ कुछ स्थानों पर हमारा भारी वर्षा जो रिपोर्ट हुई है 7 से 11 सेंटीमीटर की, वो आपको यहाँ पे येलो कलर में जो हमारे मेट सब डिविजन है वहां पे आपको मार्क किया गया है। तो आगे अगर हम बात करते हैं आज की जो मानसून ट्रफ की जो स्थिति है, करंट लोकेशन, तो वो मानसून ट्रफ आपका जो है नियर नॉर्मल लोकेशन से गंगानगर से होते हुए रोहतक, उरई, चुर्क, मालदा से होते हुए ये जो हमारा निम्न दबाव का जो क्षेत्र बना हुआ है, जो आज सुबह सेंट्रल बांग्लादेश पे स्थित है वहां तक जाता है। और हम बात करते हैं कि हमारे जो डिफरेंट प्रणाली है साइक्लोनिक सर्कुलेशन ट्रफ, तो आप देख सकते हैं जो हमारा निम्न दबाव का क्षेत्र है आज सुबह 0 UTC पर ये सेंट्रल बांग्लादेश रीजन में स्थित था और इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 7.6 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल है। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के थ्रू जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल वार्निंग दी गई है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के काफ़ी प्लेसेस पे दी गई है, जो कि हम आगे ग्राफिकल पिक्चर्स फॉर्मेट में भी दिखाएंगे। तो हमारा जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है हमारा लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर ये झारखंड पे स्थित है, एक हमारा साइक्लोनिक सर्कुलेशन है 0.9 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल हमारा वेस्ट उत्तर प्रदेश उसके आसपास के इलाकों में देखा गया है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा जिसकी हाइट समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल है, एक साउथ पाकिस्तान रीजन में है। आप ये देख सकते हैं फीवर जो हमारा वेस्टर्न डिस्टरबेंस का जो ट्रफ है वो 17 डिग्री ईस्ट और 32 डिग्री नॉर्थ स्थित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे हमारा नॉर्थ तमिलनाडु और उसके आसपास से सटे हुए साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश के रीजन में स्थित है लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर, एक हमारा साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो साउथ ईस्ट अरेबियन सी और उसके आसपास के इलाकों में स्थित है, जिस जो समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर से लेकर 5.8 किलोमीटर ऊंचाई के बीच में देखा गया है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसे ऊपर जाते हैं ये साउथवर्ड टिल्ट भी करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमारा मानसून ट्रफ है नॉर्थ साउथ ट्रफ लाइन लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे अप टू 0.9 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल, जो कि हमारा ऑफ कर्नाटक कोस्ट से लेकर ये हमारा मालदीव एरिया तक जाती है। तो ये आज के हमारे मौसम सिस्टम है जिनके थ्रू भारत के विभिन्न इलाकों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। तो जो मुख्य बिंदु हैं आज के आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो जो हमारा लो प्रेशर एरिया जो हमारा सेंट्रल बांग्लादेश और उसके आसपास के इलाकों में स्थित है, उसके द्वारा जो पूर्वी भारत के कई इलाकों में बहुत भारी से अत्यंत भारी वर्षा होने की आज की संभावना है। और हम अगर सदर्न पेनिनसुला की बात करते हैं, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में अगले 2 दिन के दौरान अलग अलग स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी से बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना बताई है। अगर हम इन वार्निंग्स को डे टू डे मल्टी हजार्ड मैप्स में देखते हैं तो IMD 7 डेज की वार्निंग मल्टी हजार्ड मैप इशू करता है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रेड कलर से हमने वार्निंग इशू की है, हमारा जो लो प्रेशर सिस्टम हमारा सेंट्रल बांग्लादेश पे स्थित है उसके थ्रू जो हमारा
एनएमएमटी रीजन्स और आसाम एंड मेघालय के जो मेट सब रीजन है वहाँ पर हमारा एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग यहाँ पर इशू की गई है फॉर डे वन। एंड अगर हम डे टू में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की बात करते हैं तो हमारा एनएमएमटी रीजन में ये डे टू में भी कंटिन्यू रहेगी ये वार्निंग। अगर हम वेरी हैवी रेन की बात करते हैं, वेरी हैवी रेन की जो बात है, हमारा उत्तराखंड के कुछ कुछ प्लेसेस, आसाम एंड मेघालय के कुछ कुछ प्लेसेस और केरला में आज के डे वन के दौरान और डे टू के दौरान आप देख सकते हैं केरला में और आसाम एंड मेघालय में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। डे थ्री में बहुत भारी वर्षा हमारी केवल एनएमएमटी रीजन में कन्फाइन रहेगी। और आपको येलो कलर में यहाँ पे मेट सब रीजन वाइज के कुछ कुछ इलाकों में जहाँ भारी वर्षा हो सकती है आपको यहाँ पर येलो रीजन में दिखाया गया। अगर हम डे वन की ही स्पेसिफिकली बात करते हैं तो हमारा सदर्न पेनिनसुलर इंडिया के ऑलमोस्ट सभी मेट सब डिवीजन, सेंट्रल इंडिया और हमारा जो इंडो गंगेटिक प्लेन के जितने भी रीजन से वे सभी कवर होते हैं। कुछ कुछ स्थानों पर वहाँ भारी वर्षा हो सकती है। और हम नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर के रीजन है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमारा SSWP और अरुणाचल प्रदेश के जो रीजन है, आज के दिन यहाँ पर हमारी भारी वर्षा हो सकती है। तो ये वर्षा का दौर जो है ये अगले 4 से 7 दिन के दौरान अगर हम देखते हैं तो हमारा नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में वर्षा का दौर कंटिन्यू रहेगा। ये जो वर्षा का दौर है ये जो बहुत भारी वर्षा का दौर है ये NMMT रीजन्स में हमारा 4th और 5th दिन भी कंटिन्यू रहेगा, जो कि वार्निंग हमारी 5th दिन आसाम एंड मेघालय रीजन में बहुत भारी वर्षा का दौर में अपग्रेड किया है। और हमारा जो कोस्टल कोंकण एंड गोवा रीजन है वहाँ पर हमारा Day 5 में हमने वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग हमारा इशू की है। अगर हम बहुत भारी वर्षा की बात करते हैं, भारी वर्षा की अगर हम बात करते हैं तो हमारा सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया और सम पार्ट ऑफ इंडो गंगेटिक प्लेन जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड आता है, ये कवर करता है। Day 5 और Day 6 में आप देख सकते हैं ये वार्निंग हमारा सेंट्रल इंडिया के जो मोस्ट स्टेट हैं यहाँ पर हमारी इशू की गई है वार्निंग भारी वर्षा की, और ये वार्निंग कंटिन्यू रहेगी Day 7 में भी। तो ये सारी डिटेल बुलेटिन्स जो हैं, फॉर द डिटेल इंफॉर्मेशन आप हमारी IMD की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और हमें Instagram और Twitter पर फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।